गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है आपके करंट अफेयर्स का। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, चलो थोड़ी थोड़ी कहते हैं इंक्रीमेंट हो रही है कि एक से भले दो, तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आंसर्स दिए, मैं उनके नाम लास्ट में लूँगी। तो प्लीज़ इस सेशन को देखिए, जल्द से जल्द हम आपका करंट अफेयर्स सेशन शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस आपके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड दीक्षा शिंदे ऑफ औरंगाबाद इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज ए पैनलिस्ट ऑफ नासा। औरंगाबाद भारत की दीक्षा शिंदे को हाल ही में नासा ने के पैनलिस्ट के रूप में कितने साल का तक मतलब कितने साल का चुना गया है, या कितने साल की है दीक्षा शिंदे। देखिए हाल ही में जो है ये औरंगाबाद की लड़की है, ठीक है, जिसको जो है कहा जाता है कि इसने इसको नासा में चुना गया है एज ए इम्पीरियलिस्ट, ठीक है, MSI इम्पीरियलिस्ट के बेसिस पे चुना गया है। तो ये कितने साल की है आपकी, 14 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रीजन्स इन इंडिया हैज़ गॉट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड हल्पर पार्क ऑफ कंट्री रिसेंटली। हाल ही में भारत का सबसे ऊँचा हर्बल पार्क किस जगह पर शुरू किया गया है, शिमला, चमोली, देहरादून या किन्नौर। तो देखिए ये जो पार्ट है दैट इज़ द हाइएस्ट एल्टीट्यूड पार्क जो है ये कहाँ पे है, ये बनेगा आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड की कौन सी जगह पे, चमोली में, ठीक है, आंसर इज चमोली, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, Which of the following state government has announced a COVID relief package or the helpers, drivers and priests? किस हाल ही में मतलब कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जो है पैकेज रिलीज़ किया है फॉर द कोविड रिलीफ पैकेज, एक तरह से हेल्पर्स को और ड्राइवर्स को किसने रिलीज़ किया है। कहा जाता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो है एक पैकेज दिया है, उस पैकेज में क्या कहा गया है, उस पैकेज में ये कहा गया है कि ये जो है आपका बिलीफ जिसको आप बोल सकते हो, ड्राइवर्स को 10,000 रुपीज़, 15,000 प्रीस्ट को जो है मिलेंगे और बाकी जितने भी हेल्पर्स हैं, कि एक कोविड रिलीफ पैकेज दिया गया है जो जितने भी प्रीस्ट हैं, हेल्पर्स हैं या ड्राइवर्स हैं। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ असम। ड्राइवर्स को मिलेगा 10,000, 15,000 जो है प्रीस और हेल्पर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे इन कमेमोरेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के स्मरणोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, अगस्त 21, 22, 25 या 27। तो देखिए ये जो मनाया गया है हाल ही में इंडियन कॉमरेशन डे, दैट इज़ ये आपका मनाया जाता है 22 को। इसमें जो है जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसके बाद, जो टेररिस्ट अटैक होने के बाद जो सफ़र किया है, जिन लोगों ने टेररिस्ट अटैक से सफ़र किया है उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, अगस्त 22 को। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ। हाल ही में किस देश ने अपना नया प्राइवेसी लॉ जो है ऑनलाइन शुरू किया है, वो है आपकी चाइना। कहा जाता है कि इसने जो ये न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ जो है शुरू किया है टू सिक्योर देयर पर्सनल डाटा। कहा जाता है कि हाल ही में जो है एक पर्सनल डाटा जो है, दैट इज़ आपका दीदी करके नाम है और एक और नाम है इसका, मैं आपको बता देती हूँ, राइट हेलिंग करके और एक है आपका गनी टिनेंट, ठीक है, ये तीन जो है आपके, ये दो जो है इनके इन पे जो है पर्सनल डाटा का कहते हैं इनसिक्योरिटी आई है, जिसकी वजह से इन्होंने ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ लगा दिया है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ दीज कंट्री हैज़ अप्रूव द रेटिफिकेशन ऑफ किगाली एग्रीमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए जो भी ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी कि ये जो किगाली एग्रीमेंट है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। दिस इज़ द अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक दिन मैं आपके लिए किगाली के बारे में लेकर आऊँगी, क्योंकि आने वाले जिनके JRF का पेपर हो सकता है, जो यहाँ पे JRF की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको चाहिए किगाली एग्रीमेंट, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं,
देखिए ये जो कौन सी कंट्री है जिसने अप्रूव किया है, किगाली है क्या, कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था जिसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि ओजोन को बचाने के लिए CFCs को बंद किया जाए, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट की गई किगाली की जिसमें कहा गया कि HFCs जो हैं, दैट इज़ जो हमारे इन्वायरमेंट को यानी ओजोन को ख़त्म कर रही हैं, उसकी भी अब बाउंडेशंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अगर ओजोन ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं यूवी रेज हमारे अर्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो जिसके बेसिस पे ये किगाली एग्रीमेंट 1989 आया, जिसमें तीन ग्रुप्स बने, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। हमारा इंडिया आता है थर्ड ग्रुप में, जिसमें इसने कहा है कि इसने रेटिफाई किया है कि 247 तक ये जो है पूरे HFCs की लेवल को कम करेगा। तो 247 तक इसने अपने आप को रेटिफाई किया है, तो वो है इंडिया। ठीक है, पहले में US, सेकेंड में चाइना आता है, तो थर्ड जो है आपके ग्रुप था इंडिया, जिसने 2047 तक अपने आप को ख़त्म। और कहा जाता है कि आने वाले टाइम पे ये क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि CFCs आर यूज एज द रेफ्रिजरेंट्स, उनकी जगह हम HFCs को यूज़ कर रहे थे। तो अब जो कहा जा रहा है कि जो रिसर्च चल रही है कि वो HFO को यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ जब यूवी टकराती है तो क्लोरीन एटम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन विच कंट्री 14 मिलियन पीपल्स आउट ऑफ 39 मिलियन पीपल्स आर करंटली फेसिंग सीवर हंगर। कहा जाता है कि हाल ही में एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार 14 मिलियन पीपल यानी 14 अरब लोगों में से 39 अरब लोग जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं या भूख का सामना कर रहे हैं। कौन सी कंट्री है? तो ऑब्वियसली वो कंट्री कौन सी है आपकी? अफगानिस्तान। क्योंकि आपने सुना है और बहुत कुछ चल रहा है कि अफगानिस्तान पे अटैक्स हुए हैं, और अफगानिस्तान का अटैक का मेजर रीज़न है तालिबान। बहुत चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है तालिबान पे। तो तालिबान के बेसिस पे जो है अफगानिस्तान, तालिबान ने पूरी जगह को कैप तालिबान ने कैप्चर ही क्यों किया है? क्योंकि US पावर्स ने अपने आप को, तालिबान इतना मजबूत क्यों? तालिबान बहुत पहले से अटैक कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तान को ये धीरे धीरे खा रहा था। उमर जो थे उन्होंने खाया, लेकिन मेन रीज़न कि तालिबान का मेन फोर्स कब हुई, जब US आर्मीज़ के साथ जो इनका एग्रीमेंट था वो हो गया, और जैसे ही US पावर्स पीछे हटी तालिबान जो था वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने जो है अफगानिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिया, और अब अफगानिस्तान को इसने मेजर कैप्चर कर लिया। नाउ द नेम भी इसका चेंज कर दिया गया है, तो ये है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च उभरते सितारे फंड? उभरते सितारे फंड जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने कहाँ पे लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है आपका लखनऊ। देखिए तालिबान जो है बहुत हॉट टॉपिक है, तो इस चीज़ पे ज़रा जहाँ से भी कंटेंट मिलता है ज़रूर देखें। ठीक है, जहाँ से भी कंटेंट मिलता है प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि आपको, सॉरी, आपको जो है क्योंकि कंटेंट की बहुत ज़रूरत है। आपको इस टॉपिक पे जो जिसका HAS क्लियर होता है, जिसका UPSC क्लियर होता है, उस पे हॉट टॉपिक तालिबान से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको तालिबान से रिलेटेड नॉलेज मिलती है आपको ले लेनी चाहिए। मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि शेयर की जाए आपके साथ तालिबान की नॉलेज, तो आप मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिए। पर इतने चैनल्स हैं जो दे रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगा कि देनी चाहिए। तो पर फिर भी अगर आपको लगता है कि एक सेशन होना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड आफ्टर सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी आफ्टर होम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में जो सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका नाम कुछ रखा है, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो उसका नाम क्या चेंज किया? माँ गंगा, माँ शाकंभरी, गोरखनाथ या श्री राम? तो देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है सहारनपुर टॉपिक, जो सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका नाम कर दिया गया है आपका महाशाकंभरी। क्या है माँ शाकंभरी? ठीक से क्या होगा, जस्ट वेट।
जस्ट गिव मी वन सेकंड. चलिए, माँ शाकंभरी. ठीक है, आंसर इज माँ शाकंभरी. तो इसके बाद, बाय विच ईयर इंडिया विड एट 100 मोर ऑब्जर्वेटरीज, कि 100 मोर ऑब्जर्वेटरीज जो हैं इंडिया कब तक लॉन्च करेगा? 2025, 26, 27, 28. जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि दिस ईयर, हाल ही में जो इस साल उन्होंने 34 ऑब्जर्वेटरीज जो हैं सोचा है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो आपका अब है वो 26 तक जो है ये पूरी 100 ऑब्जर्वेटरीज को जो है क्लियर कर देंगे फॉर अर्थक्वेक्स. सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका, अर्थक्वेक्स की ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, भारत कितनी अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज को ऐड करेगा? 100. अभी कितनी है? 34. किसने कहा है? मिस्टर जितेंद्र सिंह. जितेंद्र सिंह. ठीक है, नेक्स्ट. हिसार एयरपोर्ट इज बीइंग रीनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स. जो खट्टर हैं, सीएम खट्टर यानी आपके हरियाणा के, उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या रखा है? तो उन्होंने रखा है हिसार एयरपोर्ट का नाम जो है अब क्या हो गया है, महाराजा अग्रसेन. आंसर इज सॉरी महाराजा अग्रसेन, ये है इसका राइट आंसर. ठीक है, महाराजा अग्रसेन. एनटीपीसी हैज अनवील्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली. एनटीपीसी ने हाल ही में एक लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है. ये किस जगह पे लॉन्च किया है? विशाखापट्टनम, सूरत, रीवा या तिरुवनंतपुरम? तो आंसर इज आपका विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम. ठीक है, आंसर इज विशाखापट्टनम. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये हैं अब आपके क्वेश्चंस जो आपका होमवर्क है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थे आपके 12-13 क्वेश्चंस जो हाल ही के करंट अफेयर्स के थे. और अब ये जो क्वेश्चंस हैं, देखिए अभी जिनके पेपर्स आने हैं और जिनके पेपर्स हो गए हैं और वो भी आने भी दे रहे, मतलब उनके भी आगे पेपर हैं. तो देखिए ये क्वेश्चंस अभी जो पूछे गए हैं वो जनवरी के पूछे गए हैं. तो ये है आज का फेब्रवरी, ये फेब्रवरी 2021 के क्वेश्चंस हैं. तो डू फोकस अस. टैब्लू ऑफ विच स्टेट वॉज एडजस्ट बेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड. इसमें से कौन सा गणतंत्र परेड में किसकी झांकी जो थी सर्वश्रेष्ठ थी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या असम? फर्स्ट क्वेश्चन. विच वर्ड इज सिलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020? 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड कौन सा सिलेक्ट किया गया? ठीक है, तो आधार, आपका संविधान, आपका महामारी, ये वर्ड्स हैं. देन विच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड अ प्लान टू डेवलप लिटिल अंडमान आइलैंड एज अ टूरिज्म हॉटस्पॉट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लिटिल अंडमान आइलैंड जो है एज अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट डेवलप किया है? टूरिज्म मिनिस्ट्री, नीति आयोग, नाए या IRCTC? तो आंसर इज आपका क्या है, यह आपने मुझे बताना है. ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्लान बनाया है कि जो लिटिल अंडमान आइलैंड है उसको हम एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विच क्रॉस 1.75 करोड़ बेनिफिशरीज इज द स्कीम अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? 1.75 करोड़ या 1.75 करोड़ लाभार्थियों के बेसिस पे जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य कल्याण, वुमेन चाइल्ड या आपका सामाजिक न्याय या कानून और न्याय मंत्रालय के अकॉर्डिंग? कौन सी मिनिस्ट्री है, विच मिनिस्ट्री इज टू सेटअप द इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम? कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? या अफेयर्स है भाई. ठीक है, कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है आपका, एक मिनट, कल को आप बोलो अफेयर्स. ठीक है, ये है अफेयर्स, कि
कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जिसने इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल सिंगल विंडो जो है सेटअप किया है? वित्त मंत्रालय, कॉमर्स, उद्योग या आवास या शहरी मंत्रालय? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस हैं। तो जिन लोगों ने, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस है 5 और उसके बाद आपका ये क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ देख सकते हो कि क्या है। एक बार मैंने आपकी स्क्रीन को होल्ड पे रखा है, तो ये देख लीजिए, टैबल्यू, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड, और ये इसका स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद आपका मातृवंदना योजना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे, और जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया है, मिस सुमन सोनी जी हैं, देन रिंकू भाटिया जी हैं, प्रिया डोगरा, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन, यू ऑलवेज अप्रिशिएट मी, एंड वन मोर थिंग इज, आई थिंक एक और नाम है वंदना देवी, उनका भी मैं शुक्र गुजार करूँगी। एक रोहित चौहान जी हैं, ये रोहित चौहान, रिंकू भाटिया, अमन कौंडल, कैप्टन स्पार्टन हैं आई थिंक वो, और सुमन सोनी, प्रीति शर्मा, प्रिया डोगरा, आई थिंक और भी नाम है, जितने मुझे नाम याद हैं, सुमन सोनी जी हैं, बन्ना देवी हैं, सुनीता कौशल जी हैं, देन कैप्टन स्पार्टन हैं, आपके अर्जुन जी हैं, आपके प्रिया डोगरा हैं, आपके सुनीता कौशल, सुमन सोनी हैं, बन्ना देवी हैं, प्रीति शर्मा हैं, आपकी वंदना शर्मा भी हैं। सभी को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे सेशंस देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि जितने नाम मुझे याद थे मैंने बोल दिए। प्रिया डोगरा हमेशा मुझे कोई ना कोई चीज़ का पॉइंट आउट देती हैं जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होता है, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। क्षमा शर्मा ऑल्सो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज पार्टिसिपेंट्स और ऑल दोज कैंडिडेट्स हु अप्रिशिएट मी, हु सपोर्ट्स मी, एंड इसी तरह से आपका विश्वास अगर बना रहा तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइव भी आऊँगी, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मेरी इंस्पिरेशंस बढ़ती जाएंगी और मैं हर कोशिश करूँगी आपके आगे आने के लिए। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे आकाश शर्मा जी हैं, मिस्टर गौरव गुलेरिया जी हैं, और भी कई कैंडिडेट्स हैं, शमा है, शिखा है, बहुत सारे नाम हैं, मेरे ख्याल से मुझे नाम नहीं याद, तो मैं माफ़ी चाहूँगी जिनके मैंने नाम नहीं लिए। प्लीज़ आप इन करंट अफेयर्स को ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और नीचे नाम लिखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द रियल सपोर्ट और द एप्रिसिएशन विच यू आर गिविंग मी। ठीक है, नो वर्ड्स, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से थैंक यू, भी आपके लिए बहुत बड़ी, बहुत कम है, बट आपका सपोर्ट ही मेरी इंस्पिरेशन है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग, एंड वेल एज कि जितने लोग हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के कि जितना हो सकता है वीडियो को लाइक, शेयर एंड रिकमेंड कीजिए, फेसबुक पेज पे को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता। प्लीज़ अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो माफ़ी चाहूँगी, और जब भी हम लाइव आएँ तो सबके नाम जरूर लूँगी, ये बाद तब तक नाम भी याद हो जाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच। एंड एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी, जहाँ से नॉलेज मिलती है ले लेनी चाहिए, कहीं से भी मिले ले लो, बस ये सोचो कि वो आपके काम की है, तो कभी ये मत सोचना कि यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से नहीं लेनी, जहाँ से मिलती है, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा, तो किसी की मेहनत को कभी भी लेट डाउन मत करना, बस यही चाहूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।